Chapter 1 Shapes and Spatial Understandings, Olympiad, Mathematics Class 2. Learning objective: this lesson will help you to identify the two-dimensional shapes, study the properties of 2D shapes, identify some of the 3D shapes, and distinguish between state and curve line. This is the four important objective we are learn in this chapter. So quick concept review now. So let us start the shapes. 2D shapes are strictly speaking the surface of 3D shapes. Shapes can be described and categorized by their geometrical properties. ठीक है ना, जो भी shapes होगा वो किसके basis पे describe किया जाएगा, उसके geometric properties के basis पे, मतलब वो circle है या pipeline के basis पे है या फिर त्रिकोण है या मतलब जिस type का है वो उस basis पे उसको describe करता है shapes. Have sides that are parallel, perpendicular, or neither. या तो perpendicular या parallel या तो नहीं होगी perpendicular. ठीक है. Have a line symmetry, rotation symmetry या फिर neither या तो नहीं होगी. Are जो similar, congruent या फिर or neither या तो नहीं होगी. ठीक है. Similar होगी, congruent होगी या तो नहीं होगी. ठीक है. तो इन basis पे हम क्या करेंगे, shapes के बारे में describe करेंगे. So when we look around, we find object of different shapes. Some object you also carry in your school bags. अब हम अपनी चारों तरफ कई अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स देखते हैं. कुछ तो हमारे स्कूल बैग्स में ही दिखाई देते हैं, फॉर एग्जांपल पेंसिल, पेन, लंच बॉक्स, रूलर, एटीसी. डू यू नो देयर शेप्स. अब कुछ यहाँ पे इमेजेस शो कर रखी है जिसके आपको शेप्स यहाँ पे दिख रहा है. जैसे लेट अस डिस्कस सम ऑफ द शेप्स इन डिटेल. फर्स्ट है, यू ऑल्सो मस्ट प्ले लूडो. ये आपने खेला होगा, गेम खेलती है ना विथ योर फ्रेंड. डू यू नो द शेप ऑफ इट्स डाइस. इसे मतलब डाइस. ठीक है. ये दिस अ मैच बॉक्स. मैच डेट वी यूज फॉर लाइटिंग फायर हैज अ शेप ऑफ क्यूबॉइड. इस शेप क्या है, क्यूबॉइड है. एंड दिस इज वन ऑफ द कोक ड्रिंक कैंस, कैन बोलते हैं इसे, जो हैव अ शेप ऑफ सिलेंडर्स. ठीक है. सेम का सारे आइसक्रीम कोन आर हैविंग अ शेप ऑफ कोन. आपको कोन फॉर्म में दिख रहा है. एंड फुटबॉल हैज अ शेप ऑफ स्पीयर्स. क्लियर. द शेप वी हैव डिस्कस अबव आर थ्री डायमेंशनल शेप. जितने भी हमने शेप देखे थे ऊपर हुए जो फिगर देखो थ्री डायमेंशनल थे. दीज आर ऑल्सो नोन एज अ सॉलिड शेप्स. जो किस्म के बोलते हैं सॉलिड शेप कह सकते हैं. फ्लैट शेप लाइक अ सर्कल, ट्रेंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर ऑल्सो कॉल्ड अ टू डायमेंशनल शेप. अब देखो जो हमने आपको दिखाए थे वो थ्री डी शेप थे, बट अगर उसको हम सिर्फ एक साइड से देखेंगे तो कौन से दिखाई देंगे, टू डी शेप के फॉर्म में दिखाई देंगे. ठीक है ना. तो वी ऑब्जर्व हाउ कैन वी मेक टू डी डायमेंशनल शेप फ्रॉम थ्री डी डायमेंशनल शेप्स. ठीक है ना. तो देखिए ये थ्री डी डायमेंशनल शेप है. अब इसको हम क्या करेंगे, इसके बेसिस पे 2D dimensional shapes से design करेंगे. By simply using pencil, whenever shape we you want to draw, put it one paper and draw it lower bottoms. The shape thus form a 2D dimensional shape. Let us understand with the help of example given below. आपको यहाँ example के basis पे समझा दिया जाएगा. जैसे ये क्या है, मैच बॉक्स है, जैसे 3D, ये है डाइस ऑलरेडी 3D, बट दिस इज रेक्टेंगल फॉर्म. तो ये देखो ये आपको ये 2D फॉर्म में आपको पेंसिल से आप जब नापेंगे ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से आपको शो होगा. सेम हाई है, स्क्वायर के फॉर्म में है ये डाइस, बट जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से देखा 2D फॉर्म में. सेम हरियर, दिस इज अ कोइन. तो जब कोइन को आप इस तरह से सर्कल से नापेंगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा. एंड ये कोन है, कोन को जब इस तरह से ड्रॉ करेंगे 2D फॉर्म में तो ट्रेंगल के फॉर्म में शो होगा. ठीक है. Properties of the 2D shapes. Rectangles. The rectangle has four sides. The two opposite sides are equal and all the four angles are also equal. आप यहाँ देख सकते हैं कि ये दो साइड के एक दूसरे के क्या इक्वल है एंड दिस टू साइड आर इक्वल. बट यहाँ पे जो इसके जो बनने वाला जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री का होगा. यहाँ पे और यहाँ पे. ठीक है ना. तो कितने डिग्री एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. सेम के सारे स्क्वायर. इन स्क्वायर ऑल साइड आर इक्वल्स. ठीक है. एंड एंगल आल्सो आर इक्वल्स. ठीक है. तो ये जो जो है साइड्स, इन साइड की जो साइज भी होगी सेम ही होगी और एवरी साइड साइड इज सेम एंड एंगल्स आर इक्वल्स. ट्रेंगल, इट इज द थ्री साइड एंड थ्री एंगल्स. साइड्स एंड एंगल्स कैन बी डिफरेंट और इक्वल्स. अब इसमें क्या हो सकता है, या तो एंगल सेम हो सकते हैं तो या तो डिफरेंट एंगल भी बन सकते हैं. ठीक है. एंड लास्ट वन इज सर्कल. इट हैज नो साइड एंड इट इज राउंडेड इन शेप. आप देख सकते हैं इट इज इन राउंडेड शेप. ठीक है. So this circle we will draw on the basis of radius, and its formula is d equal to d मतलब diameter. जब ये पूरी
जब ये पूरा जो सेंटर से जब इसको एक लाइन खींचेंगे तो एक डायमीटर ड्रॉ होता है, एंड फॉर्मूला क्या होगा, डी इक्वल टू 2 आर, ठीक है। या फिर अगर हमको रेडियस, यदि हमको कहीं ना रेडियस निकालना है, तो रेडियस इक्वल टू 2 बाई आर का फॉर्मूला यूज़ होगा यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक इज लाइन्स। वेन वी मूव अ पेंसिल अलॉन्ग वन ऑफ द एजेस ऑफ अ स्केल वी गेट अ लाइन, ठीक है। तो लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि पॉइंट क्या होता है, ठीक है। पॉइंट इट्स मीन डॉट। बिना दो डॉट के या बिना पॉइंट के आप कोई भी लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकते। लाइन को ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट चाहिए, और दो पॉइंट का ही यूज़ करके आप इसकी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन इज़ अ स्ट्रेट थीन और वन डायमेंशनल जीरो विथ ऑब्जेक्ट डेट एक्सटेंड ऑन बोथ साइड इज इनफाइनेटली। अब ये देखो, ये दोनों साइड क्या हो सकती है, इनफाइनेटली क्या हो सकती है, एक्सटेंड किया जाते हैं। इट इज़ लाइन विथ नो कर्व, इसमें कोई भी कर्व नहीं होगा, ठीक है ना। इट इज़ ए स्क्वेयर रेक्टेंगल ट्रेंगल आर मेड ऑफ स्ट्रेट लाइन। आप इसकी सहायता से रेक्टेंगल ट्रेंगल स्क्वेयर को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंड स्लांटिंग लाइन्स, ठीक। अब यहाँ देखिए, लुक एट द डोर ऑफ योर क्लासरूम। यह एक क्लासरूम का एक डोर है, ये क्या कहलाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये क्या कहलाएगी, वर्टिकल लाइन, ठीक है। लुक द अलोंग द फ्लोर वी सी अ लाइन, इट इज़ कॉल्ड अ हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब फ्लोर और स्लीपिंग लाइन, ठीक है। एंड द लाइन जो अलोंग अ वॉल आर अ वर्टिकल लाइन। द लाइन डेट आर नाइदर वर्टिकल और नॉर हॉरिजॉन्टल लाइन, दीज आर कॉल्ड अ स्लांटिंग लाइन, ठीक है। अब स्लांटिंग लाइन क्या हो रही, जस्ट लाइक इस तरह से जो लाइन जा रही है वो स्लांटिंग लाइन कहलाती है, ठीक है। वी कैन ड्रॉ स्लांटेड लाइन बाय प्लेसिंग अ रूलर ऑन द पेपर, ठीक है। हम उसकी मदद से हम ड्रॉ कर सकते हैं। एंड वन ऑफ दिस लाइन इज कर्व लाइन। कर्व लाइन मतलब क्या होता है, इज अ ड्रॉ विदाउट द यूज़ ऑफ अ रूलर। अब उसके लिए रूलर की ज़रूरत ही नहीं होती, आप हल्के हाथ से ही पेंसिल का यूज़ करके ड्रॉ कर सकते हैं स्मूथ फ्लोइंग लाइन, जस्ट लाइक जस्ट दिस इज अ कर्व लाइन। एग्जाम्पल ऑफ कर्व लाइन, सर्कल एंड ओवल्स आर मेड कर्व लाइन्स, ठीक है। एंगल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। द शेप फॉर्म बाय टू लाइन्स वो या रे पार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट इज नोन एज एंगल, ठीक है। तो दो लाइन को जब हम ज्वाइन करते हैं, दो लाइन का जब दो लाइन एक कॉमन पॉइंट पे ज्वाइन होती है, तब एक एंगल ड्रॉ होता है, ठीक है। और वो जो एंगल होगा जिस पॉइंट पे वो ज्वाइन होता है, उसे हम उसको नाम देते हैं ओ, और उसी पे एक एंगल बनेगा, जो भी 90 डिग्री का या 45 डिग्री या 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ होगा, जस्ट लाइक एक कर्व फॉर्म में अब यहाँ से शो किया जाता है, जस्ट लाइक, ठीक है। तो इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल स्टार्ट द एमसीक्यूज क्वेश्चंस ऑफ रिलेटेड टॉपिक नाउ, ठीक है।